रखी गई है। मैं डॉक्टर से अभी जानना चाहूंगी अब तक कितने केसेस आए हैं और कब से ये अभी सेवा दे रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? राजू माधो। अभी सर सुबह से कितने केसेस आए हैं यहाँ पर? देखिए उसका कोई गिनती नहीं है, कितने केसे आए हम लोग तो लिखित रखते नहीं है। सर क्या क्या समस्या? एक्चुअली बेसिकली ज़्यादातर आदमी को अचानक उल्टी और क्या बोलते हैं, अचानक आदमी गिर जा रहा है, अचानक मतलब डिहाइड्रेशन, ज़्यादातर केस डिहाइड्रेशन। तो नहीं कि डांस कर करके जो है, हाँ उसमें भी डिहाइड्रेशन हो रहा है, वो भी एक रीज़न है, वो भी एक रीज़न है, डिहाइड्रेशन को एक भी रीज़न है। ये चीज़ बताइएगा आप डॉक्टर फिलहाल कहाँ सेवा दे रहे हैं? देखिए एक्चुअली कोई भी सांस्कृतिक प्रोग्राम पूरा ऑल ओवर झारखंड में हम लोग जहाँ भी सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है हम लोग पहुँच जाते हैं, पहुँच जाते हैं उस होता है, उसके लिए कोई हम लोग का बुलावट नहीं। अच्छा एक चीज मुझे बताइएगा, अभी जो झारखंड में सरकार है हेमंत सोरेन, उनको कौन सी दवा देनी चाहिए? देखिए उनको उनको तो सबसे पहले टेटवैक देना चाहिए, टेटवैक देना चाहिए, वो टेटवैक का लायक है, हाँ टेटवैक ही देना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि कब तक जो है देखिए जेएमएम गर्त में जाएगी, ये तय है आएगी कौन हुआ तो भविष्य का घर में छिपा हुआ है। लेकिन इतना बोलेंगे कि ये पार्टी माटी का बात करता था और पार्टी का, लेकिन ये माटी का रहा ना पार्टी का रहा, ये कहीं का नहीं रहा, क्योंकि इस पार्टी का गठन हुआ था इस राज्य का उत्थान के लिए। एक बात हम इस पे आते हैं, किसी भी राज्य का गठन होता है ना उसका मूल उद्देश्य होता है, उस राज्य में बैठे हुए वो लोग जो सदियों से मुख्य धारा से कटे हुए उसको जोड़ने का काम करना चाहिए। लेकिन इन्होंने ना माटी का हुआ ना पार्टी का, इस पार्टी का गठन होने का मूल उद्देश्य यही था कि झारखंड जिस दिन अलग होगा यहाँ के मूल लोगों को अधिकार मिलेगा, नहीं मिला। आज 23 साल बीत गया अभी तक झारखंड आइडेंटिफाई नहीं कर पाया झारखंड ही कौन है। तीसरी बात कि जेएमएम स्थापना का मूल उद्देश्य था कि जिस दिन जेएमएम का जो सरकार के आएगी यहाँ के जो आंदोलन कर थे उसको सम्मान देंगे, नहीं दिया। अभी तक वर्तमान में जो इस जेएमएम स्थापना में तीन व्यक्ति का अहम भूमिका था, विनोद बाबू आपका हो गया, आईके राय और शिबू सरन। तो विनोद बाबू का वहाँ उसका मैनोफेस्टो में था, उसका मैनोफेस्टो में था कि जिस दिन जेएमएम सरकार आएगी राज्य में फुल बहुमत में उस दिन कुर्मी को एसटी में शामिल करेंगे, वो दरकिनार का भी चुप्पी साधे हुए है। दूसरी बात है कि तमाम झारखंड के शहीदों को सम्मान देने का काम नहीं कर रही है, क्योंकि उन्होंने लड़ के झगड़ के शहीद होके झारखंड को आजाद झारखंड बनाया, यह दुखद बात है। यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि टाइगर जयराम में तो है मुख्यमंत्री बनने वाले, उनको कौन सी दवा मिलनी चाहिए? देखिए उनके बारे में वो तो अभी नया खिलाड़ी है, नया खिलाड़ी है तो नया खिलाड़ी का बोलना मुश्किल है, कुछ कर सकता है, नया खिलाड़ी के बारे में कुछ नहीं बोला जा सकता क्योंकि उसको उसका बैटिंग बॉलिंग कोई देखा नहीं है, जिसका कोई बैटिंग बॉलिंग ही नहीं देखा तो उसके बारे में कैसे कमेंट कीजिएगा? बीजेपी के लिए क्या कहना झारखंड में? देखिए यदि यदि जयराम बीच में अड़चन लाया तो बीजेपी फायदा मारेगी, जाएगी आईजूबी और जेएमएम भी जाएगी, फायदा मारेगा बीजेपी। यदि यदि जयराम टेंगड़ा या सक्सेस नहीं किया तो फायदा होगा बीजेपी को, दोनों जाएगा गर्त में, दोनों माटी माटी में मिल जाएगा दोनों, ये तय है। एक बात बताइएगा अभी जितने मरीज आ रहे थे उनको इलाज के बाद कितने समय के बाद छोड़ा गया? देखिए हम लोग ज़्यादा जिसको तकलीफ है चारों ओर एम्बुलेंस घूम रहा है, हम लोग मेडिकल सेवा का मतलब होता है एटेंडम रिकवरी करवाना और इसको रोकना नहीं, एम्बुलेंस खड़ी है तुरंत उसको हॉस्पिटल पठाना और वहाँ हम लोग लाइनअप करके रखें, स्टाफ चाक चौबंद है जिसको माटी से प्यार है। सवाल पूछने पे कौन सा दवा आप देना चाहेंगे? किन के लिए? मेरे लिए। आपके लिए? अरे आपके लिए तो दवा नहीं दुआ चाहिए आपको। तो आप सुन रहे हैं मेडिकल टीम से डॉक्टर से, थोड़ी देर के बाद हम